वेलकम स्टूडेंट टू एजुसेट चैनल हरियाणा माइ बिमला देवी लेक्चरर इन कॉमर्स जी जी ट्रिपल एस गंगवा हिसार वी गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर इलेवन पॉइंट वन चैप्टर नेम इज़ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स टू डेज टॉपिक फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड सेकंड टॉपिक इज product mix. Please student listen attentively and prepare notes for future. So let's begin. Today first topic is element of marketing mix. यानी कि एलिमेंट्स मीन्स जो तत्व होते हैं एलिमेंट्स क्या कहते हैं हम तत्व कहते हैं विपणन मिश्रण के तत्व कौन कौन से हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के इस लेक्चर में तो देखो विपणन संबंधी निर्णय मुख्य चार वेरिएबल्स के बारे में होते हैं जो मार्केटिंग के बारे में डिसीजन होता है लिए जाते हैं वो फोर वेरिएबल्स के बारे में लिए जाते हैं और वो फोर वेरिएबल्स कौन सी होती हैं प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड फिजिकल या प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन इन चारों को ही विपणन मिशन कहा जाता है या मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स कहा जाता है ये चारों ही पी से स्टार्ट होती हैं आपने नोट किया होगा तो इस कारण से इनको फोर पीस भी कहा जाता है फोर पीस के नाम से भी जाना जाता है तो प्रत्येक तत्व के संबंध में भी कई तरह के डिसीजन लिए जाते हैं जैसे हम प्रोडक्ट की बात करें तो उत्पाद के संबंध में उसका नाम रंग डिज़ाइन पैकिंग किस्म इसके बारे में डिसीजन लिए जाते हैं प्रत्येक तत्व अपने आप में बहुत सारे डिसीजन का एक समूह है इसलिए प्रत्येक तत्व को एक विशेष मिश्रण मिक्स का नाम ही दे दिया गया है जैसे प्रोडक्ट मिक्स विपणन मिश्रण के चारों तत्वों को हम जो है एक्सप्लेन करेंगे तो देखो सबसे पहला जो है हमारा चार मिक्स है जिनको हमने किस किस नाम से पढ़ा है प्राइज मिक्स प्रमोशन मिक्स प्लेस मिक्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स और प्रोडक्ट मिक्स तो इन चारों मिक्स का ग्रुप को ही मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है तो देखो प्रोडक्ट मिक्स पहला हो गया हमारा प्रमोशन मिक्स प्राइस मिक्स और फोर्थ है हमारा प्लेस मिक्स तो इनको फोर पीस के द्वारा डिनोट किया जाता है अब हम सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम प्रोडक्ट मिक्स के बारे में स्टडी करेंगे प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है इसका अभिप्राय उत्पाद के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों के योग से है यानी कि प्रोडक्ट के बारे में जो डिसीजन लिए जाते हैं ग्रुप ऑफ डिसीजन क्या कहलाएगा प्रोडक्ट मिक्स ये निर्णय कौन किस से रिलेटेड होंगे नामकरण ब्रांडिंग पैकेजिंग लेबलिंग कलर डिजाइन किस्म आकार वस्तु के बाद विक्रय के बाद सेवा वस्तु के भार के बारे में इनसे सम इन के बारे में डिसीजन लिए जाते हैं ये निर्णय ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स है इसके अंदर हम तीन चीज़ें स्टडी करेंगे कौन कौन सी ब्रांडिंग पैकेजिंग और लेबलिंग को हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो सबसे पहला आता है ब्रांडिंग क्या है ब्रांडिंग देखो ये जो है एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है या आइडेंटिफाई हो जाता है इसे प्रोडक्ट ब्रांड जैसे एयर इंडिया क्या है एक ब्रांड नेम है इसका ब्रांड नेम एयर इंडिया सेम यही है थोड़ा सा इसने डेकोरेट करके ये लिख रखा है ब्रांड मार्क क्या होता है देखो एयर इंडिया ये इसका क्या है मार्क है एयर इंडिया का मार्क है अब देखो एक ब्रांड जो है वो ट्रेडमार्क का बन जाता है ट्रेडमार्क जो है ए ब्रांड रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 नाइन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर एक ब्रांड को कोई भी ये ब्रांड है इसको अगर ट्रेडमार्क एक्ट 99 नाइन नाइन के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करा लिया जाता है तो आज जो आपका ब्रांड है वो ट्रेडमार्क बन जाएगा अब ये क्या बन गया इसका ट्रेडमार्क बन गया तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे ब्रांडिंग नामकरण क्या होता है।, इसका उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा उत्पाद की विशेष पहचान स्थापित हो जाती है ब्रांड इसका अभिप्राय एक विशेष शब्द चिन्ह वर्ण या इन सब का मिश्रण भी हो सकता है जब हम बाजार में जाकर कहते हैं लक्ष्य साबुन कॉलिंग ग्लास क्लीनर सैमसंग टीवी, ब्रिटानिया गुड्डे बिस्किट बजाज चेतक स्कूटर लिबर्टी जूता इस तरह से नाम लेकर हम क्रिया करते हैं तो उत्पादों के ये नाम और कुछ नहीं है केवल उनके ब्रांड ही होते हैं हम नाम लेकर जो प्रोडक्ट का जैसे जूता जूता ही होता है अगर हम ये कहें कि लिबर्टी का जूता तो लिबर्टी उस जूते का क्या है ब्रांड नेम है ब्रांड के दो घटक होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं। एक तो होता है ब्रांड नेम और एक होता है ब्रांड मार्क उदाहरण के लिए एशियन पेंट जो है उस पेंट का ब्रांड नेम है जबकि जब आप एशियन पेंट का पैकेट देखोगे पैकेज उस पर एक गट्टू बना हुआ है वो गट्टू क्या है ब्रांड मार्क है अभी जैसे आपको दिखाया इसमें दिखा देती हूँ ब्रांड मार्क जैसे ये क्या है एक एयर इंडिया ब्रांड नेम है और ये क्या है एक ब्रांड मार्क है ये चिन्ह रहे हैं इसी प्रकार जो नाम के साथ कोई पिक्चर है जैसे डाबर है डाबर का क्या है अगर डाबर का डिब्बा आपके घर में है तो आप देखोगे तो डाबर उसका नाम है ब्रांड का और उस डाबर के पैकिंग के ऊपर एक ट्री बना नजर आएगा वो क्या है उसका डाबर का ब्रांड मार्क है अब आता है ब्रांड नेम इसका अभिप्राय ब्रांड के उस भाग से है जिसे बोला जा सकता है उदाहरण के लिए जैसे एशियन पेंट हो गया अंकल चिप्स लक्स डनलप इत्यादि और ब्रांड मार्क क्या होता है इसका अभिप्राय ब्रांड के उस पार्ट से या उस भाग से जिसे बोला नहीं जाता बल्कि देखकर आसानी से पहचाना जाता है जैसे एशियन पेंट का गट्टू देखते ही आपको ये पहचान में आ जाएगा कि हाँ ये एशियन पेंट है जीवन बीमा निगम का योग क्षमा एक चिन्ह आता है वो देखना ओनिडा का भूत और जो नाइकी जो है कंपनी है नाइक कंपनी है उसका इस तरह से टिक आता है तो ये क्या है इसको देख आप पहचान सकते हो पर इसको बोला नहीं जाता थर्ड आता है ट्रेडमार्क जब एक ब्रांड का द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है तो वही ब्रांड आपका क्या बन जाता है ट्रेडमार्क बन जाता है एक कंपनी के ट्रेडमार्क का प्रयोग किसी दूसरी कंपनी के द्वारा नहीं किया जा सकता अभी बात आती है ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर क्या है तो देखो सभी ट्रेडमार्क ब्रांड होती है क्योंकि सभी ट्रेड जो ब्रांड होते हैं उनको रजिस्टर्ड कराने के बाद ही ट्रेडमार्क बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि सभी ट्रेडमार्क ब्रांड होती है जबकि सभी ब्रांड जो है ट्रेडमार्क नहीं हो सकते क्यों क्योंकि जिन ब्रांड नेम का या जिन ब्रांड का जो है ट्रेडमार्क एक्ट के अकॉर्डिंग या अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो ट्रेडमार्क नहीं कहलाएगा वो ब्रांड ही कहलाएगा इसके बाद आता है एक अच्छे ब्रांड नेम के गुण क्या है क्वालिटीज ऑफ ए गुड ब्रांड नेम एक अच्छे ब्रांड नेम में कई गुण होने चाहिए जिसमें से सबसे पहला है सिंपल एंड श्योर ब्रांड नेम साधारण होना चाहिए सूक्ष्म होना चाहिए साधारण का मतलब है कि यह देखने और सुनने में अजीब ना लगे और सूक्ष्म का मतलब है कि छोटा होना चाहिए जैसे लाक्ष ऊसा टाटा बाटा बिना का डाल्टा इस तरह से आसानी से बोला जा सके सरल उच्चारण इजिली प्रनाउंसेबल ब्रांड नेम में में ऐसा होना चाहिए जिसे व्यक्ति आसानी से बोल सके छोटे बच्चे से लेकर बिल्कुल बुजुर्ग आदमी भी उसको आसानी से बोल सके ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए जैसे टाटा बाटा फिफ्टी फिफ्टी इत्यादि ब्रांड नेम में सजेस्टिव होना चाहिए नाम ऐसा होना चाहिए कि नाम साथ के साथ सुझाए सुझाव दे ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो उत्पाद के गुण बताए जैसे हजमोला का संकेत हाजमा ठीक करने की औरत है उजाला अधिक सफेदी की ओर संकेत करता है तो ये सुझावात्मक भी होना चाहिए भिन्न डिस्टिंक्टिव ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो सबसे अलग नजर आए दूसरे से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए जैसे सिंथोल पार्क निराला इत्यादि तो उपरोक्त अतिरिक्त ब्रांड नेम का सभी भाषाओं में एक ही अर्थ होना चाहिए ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए जैसे भारत में निर्मित एक कार का नाम ब्रांड नेम है अम्बेस्डर नोवा स्पेनिश भाषा में नोवा का अर्थ है मत जाइए ठीक है डज नॉट गो जिसका अभिप्राय है कि उपभोक्ताओं को इस ब्रांड का उत्पाद नहीं खरीदना चाहिए तो इस तरह से कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आप ब्रांड नेम रख रहे हो वो मोस्टली या ज्यादातर भाषाओं में उसका मीनिंग एक ही होना चाहिए इसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग ब्रांडिंग से उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को ही लाभ होता है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उत्पादकों को क्या क्या लाभ होता है एडवांटेज टू प्रोड्यूसर ब्रांड नेम से विज्ञापन करने में आसानी होती है ब्रांड नेम से उत्पाद की स्थाई पहचान बन जाती है ब्रांड नेम से पुनः विक्रय को प्रोत्साहन मिलता है ब्रांड नेम के प्रति निष्ठा से प्रतियोगिता का सामना आसानी से किया जा सकता है अब नेक्स्ट आता है एडवांटेज टू कस्टमर ब्रांड नेम का कस्टमर को क्या फायदा होता है माल खरीदते समय कम समय लगता है क्योंकि ब्रांड वाले उत्पादों को आसानी से पहचाना जा सकता है ब्रांड वाली वस्तुओं की क्वालिटी निसंदेह अच्छी ही होगी ब्रांड वाली वस्तुओं के मूल्य निर्माता द्वारा निश्चित किए जाते हैं उनमें परिवर्तन बहुत कम होने के चांसेस होते हैं ब्रांड वाले उत्पादों की उपयोगिता की गारंटी दी जाती है तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक नामकरण या ब्रांडिंग नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट मिक्स के अंदर जो डिसीजन आता है वो आता है लेबलिंग का लेबलिंग होती क्या है इसका अभिप्राय लेबलिंग का मतलब होता है लेबल तैयार करने की प्रक्रिया को लेबलिंग कहा जाता है लेबल वस्तु या उसके पैकेज के साथ लगी एक ऐसी चीट होती है जो वस्तु अथवा उसके उत्पादक के बारे में जानकारी प्रदान करती है यह लपेटन वाले कागज या सील के रूप में हो सकती है उदाहरण के लिए दवाई की शीशी पर दवाई का नाम उत्पादक का नाम दवाई बनाने का फॉर्मूला उत्पादन की तिथि सुरक्षित उपयोग करने की अंतिम तिथि बैच नंबर मूल्य और कई कई बार तो दवाई के ऊपर चेतावनी भी लिखी होती है कि बच्चों से दूर रखें या इनको कूल एंड ड्राई प्लेस पर रखें इस तरह की आ, जो इन्फॉर्मेशन होती दी हुई होती है तो देखो लेबल कितने प्रकार के होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं सबसे पहला है ब्रांड लेबल ऐसा लेवल जिस पर वस्तु के केवल ब्रांड का नाम लिखा हो उसे ब्रांड लेवल कहलाता है कहा जाता है इस लेवल पर वस्तु के ब्रांड के नाम के अतिरिक्त कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती सेकंड है ग्रेड लेवल यह एक ऐसा लेवल होता है जिस पर लिखे शब्द या अंक उस वस्तु की क्वालिटी को या उसकी ग्रेडिंग को प्रदर्शित करती है जैसे जे इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कोलकाता ऊषा ब्रांड नाम से पंखे बनाती है जो कि क्वालिटी के आधार पर अनेक प्रकार के होती हैं। इस आधार पर उन्होंने क्या बनाए डिलेक्स परीमा और कॉन्टिनेंटल के लेबल लगी होती हैं। तो इस प्रकार के लेबल जो है अलग अलग श्रेणी के डिलेक्स बहुत अच्छा प्रीमा मीडियम साइज का और कॉन्टिनेंटल जो है नीमन कैटेगरी का प्रोडक्ट है इसके बाद आता है थर्ड आता है डिस्क्रिप्टिव लेबल विवरणात्मक लेबल इन लेबर इन लेब, आ, लेबल पर उत्पाद का पूर्ण विवरण लिखा होता है जैसे वस्तु किन किन चीजों को मिलाकर तैयार की गई है वस्तु का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा वस्तु के विभिन्न प्रयोग क्या है प्रयोग करते इसमें ध्यान रखने वाली बातें उत्पादक का नाम उत्पादन की तिथि बैच नंबर इस प्रकार के लेबलों का प्रयोग ज्यादातर दवाई के निर्माताओं द्वारा किया जाता है क्योंकि जो दवाई होती है उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखनी कंपलसरी होती है अब आता है क्या लेबलिंग अनिवार्य इज लेबलिंग कंपलसरी? तो देखो प्राय उत्पादक जो होता है उत्पाद पर लेबल लगाने या न लगाने और लेबल के प्रकार का चयन करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होती कि वो किस टाइप का लेबल चुने किस तरह का लेबल लगाए लगाए भी या ना लगाए लेकिन कुछ उत्पादों पर सरकार द्वारा लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है जिन प्रोडक्ट पर सरकार के द्वारा लेबल लगाना अनिवार्य किया गया है उन पर लेबल लगाना कंपल्सरी है इतना ही नहीं बल्कि कुछ एक लेबल प्रोडक्ट के बारे में तो गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है कि कुछ एक बातें डिसाइड करके दे रखिए कि उन बातों को भी उसके लेबल के साथ लिखना होगा लेबल में इतना ही नहीं बल्कि लेबल का विवरण भी निश्चित कर दिया गया है उदाहरण के लिए दवाइयों व प्रोसेस्ड फूड पर लेबल लगाना व उस पर निर्धारित सूचनाएं अंकित करना अनिवार्य है इसी प्रकार जैसे कि सेहत के लिए हानिकारक सेहत के लिए हानिकारक जैसे ये आती है आपकी खैनी वगैरह आती है तमाकू की पैकेट आती है उसके ऊपर स्पष्ट लिखा होता है सेहत के लिए हानिकारक उत्पादों के लेवल पर चित, विधानिक चेतावनी अंकित करना अनिवार्य होता है जैसे पान सिगरेट के पैकेट पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सॉरी सेहत ने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लिखा हुआ होता है इसी प्रकार दवाइयों की बोतल जो होती है उन पर लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन या बच्चों से दूर रखें इस तरह के लाइंस लिखनी कंपलसरी होती है अब आता है फंक्शंस ऑफ लेबल लेबल के फंक्शन क्या है सबसे पहला है पहचान लेबल की सहायता से अनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पहचान पाना संभव होता है उदाहरण के लिए एक ढेर में अनेक साबुन रखी है आप सिंथोल साबुन लेना चाहते हैं तो लेबल की मदद से आप अपने इच्छित साबुन को आसानी से पहचान सकती हो क्लासिफिकेशन जब एक ही उत्पाद की कई क्वालिटी होती है तो लेबल ही ये बताता है कि किस पैक में किस क्वालिटी का उत्पाद है उदाहरण के लिए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड तीन किस्म की चाय बनाती है प्रत्येक किस्म की चाय की अलग पहचान करने के लिए हरे लाल और पीले रंग के लेबल का प्रयोग किया गया है तो जो पैकेट है चाय की पैकिंग है हरे लाल और पीले रंग की पैकेट को देखकर ही आप पहचान जाओ कि, कि किस क्वालिटी की इसके अंदर चाय है प्रमोशन लेबलिंग का तीसरा कार्य है विक्रय संवर्धन करना या प्रमोशन करना ग्राहक कई बार सजावटी लेवल को देखकर उत्पाद को क्रय कर लेते हैं क्रय करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं आजकल लेबलिंग का विक्रेस वर्धन के रूप में या एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि जब तक कोई प्रोडक्ट या पैकिंग आपकी घर में पड़ी होती है जब तक आपको दिखती रहती है तो उसके ऊपर जो लेबल है उसको देख कर आपको उस प्रोडक्ट की याद आती रहती है तो एक टाइप से वो प्रमोशन ही होती रहती है थर्ड है आपका प्रोडक्ट मिक्स का थर्ड पॉइंट जो है पैकेजिंग जिस कंटेनर में उत्पाद को, को रखा जाता है उसे कहा जाता है पैकेज पैकेज किसे कहा जाता है जिस कंटेनर में उत्पाद को रखा जाता है उसे पैकेज कहा जाता है। और पैकेजिंग का उन क्रियाओं के समूह से है जो उत्पाद को रखने वाले कंटेनर या कंटेनर का या उस पात्र का डिजाइन बनाने और उनके उत्पादन से संबंधित होता है पैकेजिंग के अंदर कंटेनर का डिजाइन इस ढंग से बनाया जाता है ताकि उत्पाद को प्रयोग करने में कठिनाई ना हो उदाहरण के लिए डिटॉल लिक्विड का पैक इस ढंग से डिजाइन किया जाता है कि पैक को ऊपर से दबाते ही लिक्विड बाहर आ जाता है यदि ऐसा ना हो तो पैक की उपयोगिता कम हो जाती है पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य होता है वस्तुओं को संग्रहण और परिवहन करने में उनमें टूट फूट क्षय क्षति कम हो या ना हो इसलिए पैकिंग की जाती है पैकेजिंग से वस्तुओं को लाने ले जाने पकड़ने और उठाने में भी सुविधा होती है वस्तुओं की पैकिंग जो है बोतलों पीपो प्लास्टिक के थैलों या डिब्बों में की जाती है पैकेजिंग के कार्य क्या है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग उत्पाद पहचान सबसे पहला है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन पैकेजिंग उत्पाद पहचान का कार्य करती है उत्पाद को विशेष साइज रंग आकार के पैकेटों में इस ढंग से पैक किया जाता है कि वे प्रतियोगी उत्पाद से बिल्कुल अलग दिखे जैसे कॉकटेल का रोल पीले रंग का पैक में पैक किया जाता है तो इसे पता चल जाता है कि ये कॉकटेल जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट है सेकंड जो है फंक्शन वो है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट पैकेजिंग का मुख्य कार्य होता है उत्पाद को धूल कीड़े मकोड़े नमी टूट फूट इनसे सुरक्षा प्रदान करना उदाहरण के लिए जैसे बिस्किट जैम चिप्स ये ऐसे प्रोडक्ट हैं अगर इनको पैकिंग के अंदर एयर टाइट पैकिंग के अंदर ना रखा जाए तो ये खराब हो सकते हैं इनमें नमी आ जाती है क्योंकि वातावरणीय स्पर्श से इन प्रोडक्ट को बचाना जरूरी है और वो किससे बनाया जा बचाया जाता है एयर टाइट पैकिंग में रख कर इन प्रोडक्ट को बचा लिया जाता है कन्वीनियंस पैकेजिंग उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने स्टॉक करने उपभोग करने में भी सुविधा प्रदान करता है जैसे कोका कोला की नई पेट बोतलें जो है प्रिवेन और स्टोक करने में भी सुविधाजनक होती है और एक दूसरी जगह लाने ले जाने में इसी प्रकार आपके सामने आता है एक फ्रूटी का पैक उपभोग करने में बहुत ही आसान होता है प्रोडक्ट प्रमोशन पैकेजिंग से विक्रय संवर्धन का काम आसान हो जाता है। जब तक उपभोक्ता के घर में पैकिंग का सामान पड़ा रहता है वो जो पैकिंग है वो उपभोक्ता को उस उत्पाद की याद दिलाता रहता है तो इस प्रकार पैकेजिंग एक मूक विक्रयकर्ता की भूमिका भी निभाता रहता है यानी कि इससे विक्रय में वृद्धि भी होती है पैकेजिंग के महत्व अथवा लाभ इम्पोर्टेंस और मेरिट्स ऑफ पैकिंग। सबसे पहला है स्वस्थ एवं स्वच्छता बनाए रखने में ऊंचा स्तर होता है राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन इससे क्या होता है आ, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति लोग आज के टाइम में देखें तो स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत है बहुत ज्यादा चेत होने के कारण वो पैक्ड वस्तुएं ही खरीदना ज्यादा पसंद करती है कारण क्या है इन वस्तुओं में एक तो मिलावट की संभावना कम रहती है दूसरा ये वस्तुएं जो है धूल धुएं कीड़े मकोड़ों से सेफ रहती है स्वयं सेवा दुकानें सेल्फ सर्विस आउटलेट्स आजकल स्वयं सेवा दुकानें बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है विशेषकर ये बड़े शहरों में, में मेट्रो सिटी में ही होती है यही कारण है कि विक्रय सहायकों की भूमिका अब पैकेजिंग द्वारा निभाई जा रही है नवीनता के अवसर पैकेजिंग के लगातार उपयोग से इस क्षेत्र में शोधकर्ता को नए नए अवसर प्राप्त हुए हैं लोगों को इसमें जो है रोजगार के अवसर बढ़े हैं क्योंकि पैकिंग नए नए टाइप की पैकिंग इसमें वो शोध कर रहे हैं इससे रिसर्च uh, कर, कर रहे हैं इससे एक तो पैकेजिंग के जो नए नए तरीके हैं वो बढ़ रहे हैं दूसरा रोजगार बढ़ रहा है उत्पादों का विभेदीकरण प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन पैकेजिंग जो है उत्पादों के विभेदीकरण में सहायक होता है क्योंकि पैकेज के रंग पदार्थ आकार के कारण करेता जो है उत्पाद की क्वालिटी में अंतर को भाप लेता है जैसे आपको चाय के बारे में बताया कि हरे पीले और लाल रंग के पैकेट में जो चाय आती है तो उस पैकिंग को देखकर ही कस्टमर पहचान लेता है कि किस पैकेट में किस क्वालिटी की चाय होगी अब आता है लेवल्स ऑफ पैकिंग देखो पैकेजिंग थ्री लेवल्स की होती है इसको हम एक चित्र की सहायता से हम करेंगे प्राइमरी पैकिंग हमने एक टूथपेस्ट का पैकिंग ली है ये है टूथपेस्ट यानी कि प्रोडक्ट से नज़दीक जो प्लास्टिक की ट्यूब होती है जिसमें टूथपेस्ट डली होती है तो जो प्लास्टिक की ट्यूब है वो कौन सी पैकिंग है प्राइमरी पैकिंग है सेकेंडरी पैकिंग जो आप पैकिंग आप टूथपेस्ट खरीद कर लाते हो वो एक गत्ते की डिब्बी के अंदर आती है तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करते हैं इस तरह की पैकिंग को बड़े बड़े कंटेनर ये बड़े बड़े डिब्बे देख रहे हैं इनके अंदर पैक करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो उसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग तो देखो प्राथमिक पैकेजिंग इसका अभिप्राय उस पैकेज से है जो उत्पाद के बिल्कुल नजदीक होता है कुछ दशाओं में इसे उत्पाद के पूरे जीवन काल तक रखा जाता है जैसे शेविंग क्रीम होगी ट्यूब होगी माचिस की डिबिया होगी जब तक प्रोडक्ट है तब तक हम उस पैकिंग को भी संभाल कर रखते हैं क्योंकि उस पैकिंग के बिना वो प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाएगा मान लो टूथपेस्ट है ठीक है जब तक टूथपेस्ट आप यूज करते हो तो टूथपेस्ट के जो डिब्बी है या जो डिबी नहीं कहेंगे उसको ट्यूब है उसको संभाल कर रखोगे शेविंग क्रीम की जो ट्यूब है उसको संभाल कर रखोगे अगर आप ये कहो कि शेविंग क्रीम प्रोडक्ट है वो हम निकाल लें और डी जो ट्यूब है उसको फेंक दे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ही खराब हो जाएगा और कुछ अन्य दशाओं में इसे उस समय तक तक रखा जाता है है जब उपभोक्ता इसका उपभोग करने के लिए तैयार होता यानी जैसे कि आपकी हम एग्जाम्पल लेते हैं साबुन आती है नहाने की साबुन ये एक उसमें आती है पैकेट में आती है कागज का जो रैपर सा होता है उसमें लिपटी हुई आती है उस पैकिंग में आती है आप जब साबुन को यूज करने लगते हो तो वो पैकिंग जो है वो उतार कर डस्टबिन में डाल देते हो और आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते हो यानी कि जब तक तो उपभोक्ता इसका उपभोग करने के लिए तैयार होता है जब उसको पहली बार उपभोग करता है तो उसके बाद वो पैकिंग में नहीं रखता सेकेंडरी पैकेजिंग इसका अभिप्राय उस पैकेज से है जो उत्पाद को प्रयोग करने के समय तक उसकी अतिरिक्त देखभाल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है आप देख जो लाते हो ट्यूब लाते हो टूथपेस्ट की आप बाज़ार से घर तक लाते हो तब तक आप जो है आपके जो टूथपेस्ट होती है वो एक डिब्बी में होती है इसी प्रकार जो शेविंग क्रीम की ट्यूब होती है वो भी एक गत्ते के बक्से में या आ, जो बक्सा या डिब्बा होता है उसमें होती है जब उपभोक्ता क्रीम का प्रयोग शुरू करता है तो इसे इस गत्ते की डिब्बी को फेंक दिया जाता है लेकिन प्राथमिक पैकेज जो प्लास्टिक की ट्यूब होती है उसको रखा जाता है परिवहन पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इसका अभिप्राय उस पैकेज से है जिसका प्रयोग परिवहन परिवहन पहचान परिवहन या संग्रहण के लिए जरूरी होता है उदाहरण के लिए एक बड़े गत्ते का डिब्बा जिसमें माना कि सो शेविंग क्रीम की ट्यूब रखी जाती है और फिर उस बड़े गत्ते के डिब्बे को कंटेनर में या हम कहें कि ट्रक में रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तो ऐसी पैकिंग को जो पैकिंग केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही यूज़ की जाती है माल को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए यूज़ की जाती है उस पैकेजिंग को कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग तो ये हमारा आज प्रोडक्ट मिक्स हमने फोर पीस किए थे जिसमें से हमारा जो है प्रोडक्ट मिक्स का जो टॉपिक है या हम कहें कि हमारा फर्स्ट पी जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है